तो आगे हम चंडीगढ़ में और यहाँ पे आप रहना था कहाँ पर, जहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड बफे इन ओनली 99 रुपीज में। और सबसे पहले मैं आपको इनका खाना दिखाऊँ। उसके बाद मैं आपको इनकी स्टोरी भी बताऊंगी। यह यहाँ पे सबसे पहला व्हाइट चिली और यहाँ पे पकोड़ा कड़ी, और मतलब कड़ी तो मेरी इतनी फेवरेट है ना। और अब मान के 3 डेज से ना मैं रेगुलर कड़ी खा रही हूँ, कड़ी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कड़ी तो मैं जरूर लूंगी साथ में। ये भैया ने और पकोड़े डाल दिए हैं, और यहाँ पे है राइस, खिले खिले से राइस, और राइस में भी आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, जीरा राइस है। उसके बाद है ये, और ये दाल मखनी। और अगर बफे में दाल मखनी ना हो ना तो बफे अधूरा अधूरा सा लगता है बिल्कुल। मैंने थोड़ी सी दाल मखनी भी ली है, और ठीक है काले चने, मतलब दोनों तरह के चने, व्हाइट भी और ब्लैक भी। और इधर आ गए ये येलो दाल, इधर क्या है राजमा, मतलब दिखाना। मोर देन 15 आइटम्स आपको यहाँ पे बफे में मिल जाएंगे और ओनली 99 रुपीज में। और ये है कढ़ाई पनीर, वो भी ओनली 99 रुपीज में ही इंक्लूड है। आलू मटर, मतलब मोस्टली ना बफे में आलू मटर जो है मिस कर दिए जाते हैं, पर यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ चाइनीज में भी आपको मिल जाएगा नूडल्स, मैं थोड़े से नूडल्स जरूर लूंगी। ये पास्ता भी है लेकिन पास्ता मैं थोड़ा अवॉइड करूंगी क्योंकि मैंने नूडल्स ले ली है। यहाँ पे 99 रुपीज में स्वीट डिश भी मिल जाएगी जो कि मतलब मोस्टली बफे में मिस कर दिया और जाता है, और खाने के बाद मुंह मीठा तो, और मम्मा से बताया खाना बड़ा टेस्टी होने वाला है क्योंकि ये दो बहनों ने मिलकर बनाया है, और घर का खाना देसी खाना। और ये हमारा खाना आ चुका है, जो रोटी है वो आपको ऑन द टेबल ही मिलेगी। और यहाँ पे एक सिस्टम और है, खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आपने, आप रिपीट कर सकते हो, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते आप बीच में। अगर आपने बीच में खाना छोड़ा तो आपको 100 रुपीज फाइन लग जाएगा। और इस खाने का मैं रिव्यू नहीं करने वाली बिकॉज दो बहनों ने बड़े प्यार से मिलकर बनाया, तो नॉर्मल सी बात है बहुत टेस्टी ही होने वाला है। ये मैं दाल के साथ जो है पहले राइस ट्राई कर रही हूँ। सच में बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी है, घर का देसी खाना। तो यहाँ पे जो आपको रोटी है वो टेबल ही मिलेगी, ये नूडल रोटी कौन कौन सी है भैया, मिसी है, मैं तो मिसी रोटी लूंगी। उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा कार्ट ओपन किया था, और आज मेहनत कर करके आज 2023 में आप देख सकते हो इतनी बड़ी शॉप है इनकी, मतलब मेहनत जो है रंग लाई, इसीलिए इसको नाम दिया गया पैनादा ढाबा। मतलब ये दो दरानी के खाने में मिलकर ओपन किया था, और बड़ी मेहनत की उन्होंने, और घर का देसी स्वाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा खाना, बहुत टेस्टी। आपको अंदर भी सीटिंग मिल जाएगी, एसी वैसी सब लगा हुआ, मैं तो लाइटिंग हम मुझे चाहिए थी इसलिए मैं तो थोड़ा बाहर बैठ के खाना खा रही हूँ। यहाँ पे बाहर भी आउटडोर में भी सीटिंग है। ये हमारी स्वीट डिश आ चुकी है, जो ये सूजी का हलवा, और मतलब इसको दो लेडीज ने मिलकर स्टार्ट किया था 2005 में, और आज तक इसको लेडीज ही चला रही हैं। तो नॉर्मल सी बात है जब लेडीज बनाती है घर का खाना उसका टेस्ट आप सब समझ सकते हैं ना, और खाने के बाद कुछ मीठा उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है।
स्टार्ट किया था आपने ये 2005 से? अच्छा, तो क्या आया माइंड में, कैसे स्टार्ट किया? बस जरूरत थी काम की। अच्छा, और तो यही से स्टार्टिंग से यही पे या पहले कहीं और था? स्टार्टिंग में बहुत छोटे से काम से शुरू की, 2005 से अपने घर से खाना बना के पहले टिफिन का काम शुरू किया। अच्छा, टिफिन सर्विस? पहले टिफिन सर्विस शुरू किया, उसके बाद 10 रुपए कड़ी चावल से स्टार्ट किया। ओनली 10 रुपए कड़ी चावल से? हाँ, पहले कस्टमर बनाए अपने, 10 रुपए कड़ी चावल, कड़ी चावल से रात में डिनर में लगते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे काम स्टेप बाय स्टेप आगे गए हैं। उसके बाद मतलब मेहनत लाई जो मेहनत की थी, मेहनत तो करोगी फिर ही रब कुछ देगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करके कुछ मिलता है। सही बात है। तो आप सब लोग भी जो सोच रहे हो कुछ स्टार्ट करने की और अभी तक नहीं किया, तो आप सब भी स्टार्ट कर दीजिए, भगवान कहीं ना कहीं तो आपकी मेहनत को रख लाते हैं। अब मैम ये एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है जो हमें मतलब इतना इंस्पायर करती है। मैं खुद आराम से सीख रही हूँ कि कैसे, मैंने भी अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया जैसे कि आप सब देख रहे हैं, तो क्या पता कभी भगवान हमें भी सक्सेस कर दे। और सक्सेस बिल्कुल अगर आप भी मन से करोगे परमात्मा बहुत खुश देगा। मेहनत करके ही रब भी आपका कभी साथ देगा। अच्छी अपनी फूड क्वालिटी हमने अच्छी रखी है, रेट हमारे बहुत रीजनेबल है, क्योंकि आप मतलब 15 आइटम्स मिनिमम है यहाँ पे ओनली 99 के बफे में, और हर आइटम अभी मैंने खुद खाना खाया इतनी यम्मी इतनी टेस्टी है। आई डोंट थिंक सो कि 99 में इतना अच्छा बफे आपको कहीं और मिलने वाला है। तो आप सब जब भी मोहाली या चंडीगढ़ आए तो यहाँ पे जरूर विजिट करें। और मैम आप अकेले के तो या आपके साथ हो? तो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली है, हस्बैंड हूँ मेरी, बेटा है मेरा, छोटी सिस्टर। ये पहना था ढाबा नाम, ये कैसे सोचा आपने? तो क्योंकि हमने सस्ते नहीं शुरू किया था, अपने सस्ते, हाँ सस्ते नहीं शुरू किया था, स्टार्टिंग में भी फैमिली की सपोर्ट रही, फैमिली ने ऑलवेज हमारा साथ दिया, ऐसी बात नहीं है, मिलके चले हैं, आगे गए हैं। तो ये तीन बार साथ आपकी पिक लगी हुई है, ये कैसे मिले आपको? ये हमारे पास आए थे, इन्होंने बोला था कि हमारा एक टीवी शो आ रहा है जज्बा, उसमें आपका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ओके, उन्होंने हमें बोला था, फिर हम मैम के पास गए, तो मैम के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक फैमिली रिलेशन की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया और हमारा इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा किया। वेरी गुड। तो मतलब मैम भी यहाँ पे विजिट कर चुकी है? यहाँ नहीं, हम उनके पास गए थे, उनकी टीम हमारे पास आई थी हमें इन्वाइट करने के लिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं मैम मैम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम उनके पास उनके स्टूडियो में गए थे। तो आप कैसा फील करते? बड़ा अच्छा फील करते, अच्छा लगता है, कहते हैं मुझे आपके साथ ठीक करवाते तो कैसा फील होता? बड़ा अच्छा लगता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार इतना मिलता है, लोग इतना प्यार करते हैं, यही चीज वैल्यू है, बहुत अच्छा लगता है, अपने आप से काम करते और लोगों की विशेष मिलती है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों के प्यार की वजह से आप आगे जाए। तो आपने मैम की स्टोरी सुनी है कि मैम ने कैसे एक छोटे से कार्ड से स्टार्ट किया था, 10 रुपए कड़ी चावल से स्टार्ट किया था, और आज आप देख सकते हो कितनी बड़ी शॉप है। तो आप सब भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करके कहीं ना कहीं तो पहुंच ही सकते हो। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलेगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली अपने भुक्कड़ लोगों को भी, भुक्कड़ दोस्तों को भी टैग कर दीजिएगा जो खाने के बड़े शौकीन है और पैसे कम खर्चना चाहते हो, ज्यादा खाना खाना चाहते हो, तो वो यहाँ